उत्तर प्रदेश में जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है और जनता जो बदलाव चाहती है उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। वो अभी जब मैनिफेस्टो जब आएगा तो तमाम बिंदु कवर होंगे। ये इसीलिए मैंने कहा कि केवल आईटी सेक्टर के बारे में मैं कह रहा हूं जिसमें नौकरी और रोजगार मिल सकते हैं, तो केवल आज एक सेक्टर के बारे में बात की, लेकिन जब मैनिफेस्टो आएगा तो आप ये जो सवाल उठा रहे हैं उन चीजों को भी शामिल करने जा रहे हैं। नहीं, माठ का तो समय से समाधान हो गया, अगर कहीं और होगा तो विचार कर लेंगे, देख लेंगे। हाँ, मुझे पता है बिंदौर शहर का, मुझे जानकारी मिली। आपको अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब से पिछले 4.5 साल से मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम रट रहे थे, नहीं रट पाए, इसलिए उनके पास जो शब्द हैं जो रटे हैं वही बोल सकते हैं वो। मैंने कहा, मैंने केवल एक कहा कि आगरा है, बरेली है, या आजमगढ़ हो सकता है, बनारस हो सकता है, आपका गाजीपुर हो सकता है। जब एक्सप्रेसवे गाजीपुर तक पहुंच गया है और अगर हमारी समाजवादी पार्टी का जो पुराना मैनिफेस्टो था जो 2017 में था, अगर आप उसमें देखेंगे तो कई जगह हम लोगों ने शहर चिन्हित करके कहा कि इनमें भी आईटी हब बन सकते हैं, तो क्यों नहीं पूर्वांचल में जा सकता है। और पूर्वांचल में जरूरत है क्योंकि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जरूरत है, 12th के पास करने वाले बच्चों को क्या नौकरी रोजगार मिल सकते हैं, उसकी अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो वो रोजगार और नौकरी पा सकते हैं। इसलिए इस तरह की आईटी हब्स पूर्वांचल में और लखनऊ से आगे भी ले जाना पड़ेगा तो कोशिश होगी, ले जाएंगे, और जो भी सहूलियत देनी पड़ेगी वो सहूलियत देंगे। मुझे याद है कि नोएडा और गाजियाबाद से आगे नहीं ये बढ़ते थे, कम से कम पिछली सरकार में समाजवादी लोग लखनऊ तक ले आए, अगली बार हो सकता है झांसी तक चले जाएं, अगली बार हो सकता है गाजीपुर तक चले जाएं। कम से कम डबल इंजन की सरकार को कुछ काम आगे बढ़ाना चाहिए था। इसलिए जिन्होंने काम रोका, विकास रोका, खुशहाली रोकी, उनको हटाना है। समाजवाद है, एक आदमी से एक ही सवाल। नहीं, और निष्पक्ष की बात यहां तक है कि ये कैसे पता था भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हें एलईडी वैंस की जरूरत पड़ेगी, उन्हें कैसे पता था कि उनके पास ऐसे व्यवस्था हो जहां से वो डायरेक्ट स्पीच दे सकें मिनिस्टर्स के घरों में या उनके संगठन के लोगों में। इसका मतलब उन्हें पहले जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने सब तैयारी कर ली थी। ये आरोप हमारा है, और केवल अधिकारियों का नहीं, बहुत सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता लग जाता है। और हमारी कोशिश होगी और लगातार शिकायत करेंगे कि ऐसे अधिकारी या ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बनकर के काम कर रहे थे वो हटाए जाएं, बिना उनके निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं देख लेता हूं कि किस तरह का डोर टू डोर कैंपेन, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयार है डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए और एक साइकिल चला करके कैंपेन करने का। देखिए, जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं, जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे, उसके बावजूद विधायक कूटे जा रहे हैं, गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। जो सर्वे में आगे हैं उनके विधायक कैसे कूटे जा रहे हैं, ये सर्वे में कब आएगा?
नहीं, मैं तो कई बार यहाँ कहता हूँ जो इस तरह के सुझाव आते हैं, एक हमारा पत्रकार साथी था, गोबर को लेकर कुछ सुझाव देना चाहता था, तो अगर आप पे भी सुझाव हो तो मैं जरूर शामिल करूंगा। और क्योंकि नाकाम हुई है स्कीम्स, या नाकाम कर दी गई है, कामधेनु स्कीम में सबसे अच्छी स्कीम थी, लेकिन किसी कारण वो स्कीम सरकार ने नहीं चलाई, आगे नहीं बढ़ाई। उस स्कीम में जो सुधार होगा उसको आने वाले समय में किया जाएगा, और जहां गौशालाओं को लेकर के हजारों करोड़ रुपया लगाए, जहां पर गाय मां भूखी है आज, और इसीलिए पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि जो गाय मां को भूखा रख रहा है उस पर पाप पड़ेगा। अगर कुछ सुधार की जरूरत होगी तो आने वाले समय में उस सुधार के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में काम होगा। देखिए, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कमाल तो ये है कि डबल इंजन की सरकार ने लाभ ही नहीं उठाया। अगर डबल इंजन की सरकार चाहती तो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आता।